नमस्कार, हम लोग आज बात करेंगे लू को लेकर। लू लगना गर्मियों में काफी कॉमन समस्या है, बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर लू लगना होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, किन्हें इससे ज्यादा परेशानी हो सकती है, लू से बचने के उपाय क्या है और इसका इलाज कैसे होता है। तो सबसे पहले जानते हैं लू लगना किसे कहते हैं। तो अक्सर गर्मियों के महीनों में 12 से 3 बजे के बीच, मार्च अप्रैल से जून के बीच का समय जो होता है, उसमें टेम्परेचर जो होता है काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हवाएं गर्म हो जाती हैं और कभी आदमी जब बाहर काफी देर तक रह जाता है तो बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाता है और इस बढ़ने की वजह से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है। इसे ही लू लगना कहते हैं या अंग्रेजी में इसे हीट एग्जॉशन कह सकते हैं। इसका एक सीरियस वेरिएंट भी होता है जिसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। लू लगना और हीट स्ट्रोक दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि हीट स्ट्रोक जो होता है वो एक मेडिकल इमरजेंसी होता है और इसमें टेम्परेचर जो है ये 104 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। मतलब बॉडी जो है अंदर का हीट को बाहर निकालने की क्षमता जो होती है, जो पसीनों से बाहर निकालती है, वो खत्म हो जाता है, जिसके चलते बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, आंतरिक जो तापमान जो होता है, वो बढ़ने लगता है और ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर सबको इफेक्ट करने लगता है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें बुखार तो होता ही है, लेकिन बुखार के साथ बदन पे, जो चमड़े पे पसीना बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें ड्राई स्किन रहता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये हीट स्ट्रोक को नॉर्मल लू से अलग करता है। लू में टेम्परेचर नॉर्मली 102 डिग्री तक जाता है और पसीने के निकलते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो हम जानेंगे कि लू लगना किन्हें ज्यादा प्रभावित करता है, इसका रिस्क सबसे ज्यादा किसको है। तो रिस्क उन्हें ज्यादा है जो बाहर काम करते हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो जिन्हें काफी मोटापा है और जो बाहर लंबे समय तक काम करते हैं, इन्हीं रिस्क लू लगने का सबसे ज्यादा है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होता है तेज बुखार आना, थोड़ा सा इरिटेशन होना, डिहाइड्रेशन के लक्षण आते हैं जिसमें उल्टी होना, नौशिया जैसा फील होना, बदन में क्रैम्प्स आना, दर्द होना, एक तरह का इरिटेशन, लेथार्जी जैसा महसूस होना, आलस जिसे कहते हैं, ये सब लक्षण लू लगने में आ सकते हैं। वहीं हीट स्ट्रोक में पेशेंट जो होता है बेहोश हो सकता है और एक इंटरनल कंफ्यूजन की स्थिति रह सकती है, उठपटांग बातें कर सकता है क्योंकि जब ब्रेन इफेक्ट हो जाता है उसे समझ नहीं आता। तो ये सब लक्षण हीट स्ट्रोक में आते हैं, लेकिन थोड़े हल्के लक्षण आपको लू लगने पे आ सकते हैं। अब जानेंगे कि अगर किसी को लू लगता है तो तुरंत क्या करें। तो लू से बचने के सबसे आसान उपाय है कि जब भी आप बाहर जाएं तो पहले खुद काफी सारा पानी पीते हुए जाएं, पानी का बोतल हमेशा अपने साथ रहें, छाता लेकर चलें, और अगर जरूरी ना हो तो खासकर जो 12 से 3 बजे का जो टाइम होता है उसमें बाहर ना निकलें, क्योंकि शरीर के संपर्क में जितनी गर्म हवा आएगी, जितना अधिक आएगी, उतना ही ज्यादा आपको लू के शिकार होने का चांस रहेगा। अगर आपके पास जो देखा गया है कि जो लोग कार में, गाड़ी के अंदर हैं, उनमें लू के लगने की चांस कम रहता है, तो अगर आप हो सके तो गाड़ी के अंदर ही जाएं, एसी में रहें तो लू का चांस कम रहेगा। और जो टाइमिंग है 12 से 4 बजे के बीच में जो है, जिसमें ज़्यादा धूप रहता है, उसमें बाहर ना निकलें। खुद को हाइड्रेट करने के लिए आप काफ़ी प्रचुर मात्रा में पानी पिए, जैसे ठंडा सिकंजी हो गया, ORS हो गया, नारियल पानी हो गया, जैसे तरल पदार्थों का खूब सेवन करें, वैसे फल खाएं जिसमें ज़्यादा पानी का कंटेंट रहता है, जैसे तरबूजा हो गया, खीरा हो गया, पपीता, संतरा, नारियल पानी का सेवन करें, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा।